नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में और मैं हूं आनंद कुमार। आज के इस वीडियो में हम पिछले सप्ताह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 31 मई तक जितने भी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब का हमने एनालिसिस कर लिया था। आज के इस वीडियो में 1 जून से लेकर आज तक यानी कि 8 जून तक जितने भी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का हम यहाँ एनालिसिस आज करने वाले हैं इस वीडियो में। शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ सवाल आप लोगों के थे उसका मैं जवाब दे दूं। सवाल आपका ACF से रिलेटेड था, यानी कि जो हाल ही में CGPSC की तरफ से ACF का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उससे रिलेटेड 2 से 3 सवाल आप लोगों के बहुत सारे थे। सवाल नंबर 1 है कि कुछ बच्चे हैं जो इस साल CGPSC मेंस का पेपर देने वाले हैं और उनका भरोसा है कि उनका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब वो इस कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या ACF की तैयारी करना चाहिए या CGPSC मेंस की तैयारी करना चाहिए। देखिए, इसका एक सिंपल सा जवाब मेरे पास है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर मैं आप लोगों की जगह पे होता तो मुझे अपने इंटरेस्ट पे कॉन्फिडेंस हो और मुझे भरोसा है। अगर आप लोगों की जगह मैं होता और मुझे ये फैसला करना होता कि मैं ACF की तैयारी करूँ या CGPSC प्रीलिम्स का पेपर मेरा क्लियर हो जाएगा या मेंस की तैयारी करूँ, तो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मैं CGPSC की तैयारी करता। वैसे ही आपका इंटरेस्ट हो सकता है, कि आपका जो ड्रीम जॉब हो वो ACF की तरफ हो, तो आप ACF की तैयारी कर सकते हो। लेकिन क्लियरिटी माइंड में आप लोग जरूर रखिएगा, कॉन्फिडेंस अपने माइंड में जरूर रखिएगा, क्योंकि बीच रास्ते में जाकर ये नहीं होना चाहिए कि ACF का कर लेना चाहिए था या PSC का कर लेना चाहिए था। तो माइंड में क्लियरिटी करके पढ़ाई कीजिएगा और पूरे जोर तोड़ से कीजिएगा, बीच में जाकर मत फंसिएगा, क्योंकि अगर फंस गए तो फिर पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहले फैसला लीजिए कि आपको CGPSC का मुख्य परीक्षा की तैयारी करना है या फिर CGPSC ACF का तैयारी करना है, ठीक है। इस तरह से क्लियरिटी आप लोग जरूर रखिएगा। सेकेंड सवाल ACF से ही रिलेटेड था। आप लोगों का ये भी सवाल कहना था कि ACF की तैयारी करना चाहते हैं, इसका प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो देखिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए मेहनत और स्ट्रैटेजी सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हर किसी का स्ट्रेंथ के हिसाब से अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है। किसी में ज़्यादा समझने की क्षमता होती है, किसी में कम होता है, कोई अपना अलग स्ट्रैटेजी बनाता है, कोई अलग बनाता है। तो आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ACF के ऊपर हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर में एक वीडियो बना दें कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपकी मेजोरिटी रही कि हम लोग अपना स्ट्रैटेजी आपको बताएं, अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत करेंगे पिछले वीडियो में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के जितने हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसका एक बार यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका आने वाला जो CGPSC का पेपर है या फिर जो ACF का पेपर होने वाला है, ये सारे क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले देखो उसके बाद अटेम्प्ट करो, लेकिन अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, इससे आपको जो है वो याद होता रहेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। और बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन रहता था ना कि कंटेंट या फिर टेक्निकल वर्ड्स कम से कम इंग्लिश में कर दिया जाए, तो हमारी तरफ से पूरा कोशिश किया जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी परेशानी ना हो और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ऑप्शन है आपके पास इंद्रावती, महानदी, शिवनाथ और फिर केलो, ठीक। चलिए इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कब से की गई है। मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 21 मई, 22 मई, 23 मई या फिर 24 मई, जवाब इसका भी नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में किस वन उपज को कृषि का दर्जा देने हेतु प्रस्ताव पास किया गया है। चलिए इसका भी ऑप्शन है, लाख, हर्रा, इमली या फिर गिलोय, ठीक है। सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ पिछले वीडियो में हमने एनालिसिस कर रखा है, और पिछला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है ये भी मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा इस टॉपिक को। फ्री गार्बेज शहर की सूची में प्रदेश के किस शहर को 5-स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है। रायपुर, अंबिकापुर, भिलाई या फिर बिलासपुर, ये चारों क्वेश्चन का जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को और दे दूं। अगर आप हमसे डेली अपडेटेड रहना चाहते हैं तो YouTube के अलावा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट या फिर आर्टिकल अवेलेबल करवाते रहते हैं। तो YouTube के अलावा
ये तीन सोशल मीडिया भी बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की तैयारी के लिए। ये है टेलीग्राम का लिंक, ये है फेसबुक का और ये है इंस्टाग्राम का। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो यहाँ से भी जरूर जुड़िएगा। चलिए आप शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ पुलिस का बैच लॉन्च किया गया है और ये बैच किस प्रकार से होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। किस प्रकार से यह संकेत प्रतीक जो है, यानी कि सिंबल छत्तीसगढ़ पुलिस का लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये सिंबल से रिलेटेड प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक बन जाती है। ये जो हाल ही में सिंबल लॉन्च किया गया है, उस सिंबल को रिकमेंड किया था हमारे प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने। इन्हीं के रिकमेंडेशन के बाद इस बैच को लॉन्च किया गया है। तो इस बैच की खास बात यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो अभी हाल ही में राज्य पुलिस का बैच लॉन्च किया गया है, ये है राज्य पुलिस का बैच और प्रदेश राज्य पुलिस का लोगो ये रहा। ठीक है, ये लोगो तो बहुत पहले से है, लेकिन जो बैच है वो अभी अभी लॉन्च किया गया है। यानी कि जो पुलिसकर्मी यहाँ पर बैच लगाते हैं ना, वो बैच अब पुलिसकर्मी अब इसे लगा सकते हैं। पहले छत्तीसगढ़ पुलिस में आप अगर देखोगे तो बैच नहीं लगाते थे, तो छत्तीसगढ़ पुलिस अब बैच लॉन्च कर चुकी है, तो अब ये लगा सकती है। और किस तरह से ये बैच है और इसे अंदर से किस प्रकार से सजाया गया है, थोड़ा सा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस लिखा हुआ है और इसके नीचे में जस्ट है भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ और इसका प्रतीक वाक्य के नीचे में लिखा हुआ है क्या, सत्यमेव जयते। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड कौन से कलर का है, ये है आपका गहरे नीले कलर का। और यहाँ पर एकदम कॉर्नर पे देखिए जो बॉर्डर ये आपका है, ये भी गहरे नीले कलर का है। गहरे नीले कलर का यहाँ पर बॉर्डर इसलिए रखा गया है क्योंकि गहरे नीला जो कलर होता है वो होता है धैर्य का प्रतीक होता है, सहन शक्ति का प्रतीक होता है और पुलिस में ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसका प्रतीक वाक्य गहरे नीले कलर का रखा गया है और जो भी चीज़ें लिखी गई है वो सुनहरे कलर में लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये गोल कलर का आपको दिख रहा है तो ये सूर्य का चमकता हुआ प्रतीक है और ये आपका प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है वन भैंसे का सींग यहाँ पर नीचे में लगाया गया है और ये है छत्तीसगढ़ पुलिस का और ये मोटो क्या है, परिश्रणाय साधु नाम। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस का एस्टैब्लिशमेंट ईयर लिखा हुआ है 2000। तो इसके बारे में जितनी चीज़ें मैंने बताई आप लोग ध्यान से इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से वन डे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की आपकी संभावना बनती है। ठीक, चलिए यहाँ पर इसके आगे हम लोग थोड़ा सा छत्तीसगढ़ पुलिस के बारे में भी जान लेते हैं। इसको इस्टैब्लिश किया गया यानी कि छत्तीसगढ़ पुलिस का गठन किया गया वर्ष 2000 में, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ गठन ही छत्तीसगढ़ पुलिस का भी गठन किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस का मुख्यालय है आपका नया रायपुर में। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वर्तमान समय में यानी कि DGP यानी कि छत्तीसगढ़ पुलिस के मुखिया हैं DM अवस्थी। एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पर और है कि प्रदेश के पहले पुलिस मुखिया कौन थे, उसका नाम लिखिएगा, यानी कि DGP पहले कौन थे छत्तीसगढ़ के। मोटो जैसे मैंने आपको बताया परिश्रणाय साधु नाम छत्तीसगढ़ पुलिस का मोटो है और स्टेट पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी जहां पर जो नए ऑफिसर्स होते हैं सेलेक्ट किए जाते हैं उनको ट्रेनिंग कहां प्रोवाइड करवाया जाता है, ये चंद्रखुरी जो कि रायपुर के पास में ही स्थित है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस से संबंधित आप लोग इतना डेटा यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपसे बनना चाहिए। ठीक, मुख्य रूप से ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है मुख्यमंत्री की रैंकिंग। हाल ही में सी वोटर एजेंसीज की तरफ से एक रैंकिंग जारी किया गया। सी वोटर एजेंसी का अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जब कभी भी आप मतदान करते हो या विधानसभा का चुनाव हो गया या लोकसभा का चुनाव हो गया, उसके बाद आप देखते हो कि एक सर्वे होता है, उस सर्वे में एनालिसिस किया जाता है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है या जीतती है, एक अनुमान लगाया जाता है। तो वही राष्ट्रीय मतदान एजेंसी है सी वोटर जो इस तरह के जनता का जो विचार होता है उसका आकलन करती है। तो सी वोटर की तरफ से हाल ही में एक रैंकिंग जारी किया गया जनता के मूड को भांपते हुए। उसके अनुसार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे देश भर में दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं इस सी वोटर रैंकिंग के अनुसार। तो सबसे पहले यहां पर समझ लीजिए पहले नंबर पे कौन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, दूसरे नंबर पे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तीसरे नंबर पर हैं केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन। थर्ड रैंक तक आपको याद रखने की जरूरत है, इसके अलावा आप बाकी रैंकिंग नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा क्योंकि इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनता है वो 81.6% जनता जो है वो संतुष्ट है हमारे मुख्यमंत्री के कामकाज से। तो याद रखिएगा सी वोटर की रैंकिंग में मुख्यमंत्री को पूरे देश भर में सेकेंड रैंक प्राप्त हुआ है, प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ की पहली गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी
किनको अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है नेहा चंपावत, जो कि 2004 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। इनको हाल ही में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसी के तहत इन्हें छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्रालय का विशेष गृह सचिव नियुक्त किया गया है और इस पद पर नियुक्त होने वाली ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला है, इसीलिए प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। इससे पहले गृह सचिव कौन थे, वो थे अरुणा देव गौतम, इनके स्थान पर ही इनकी नियुक्ति की गई है। ये भी टॉपिक आपका प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है, कांकेर में हर्रा प्रोसेसिंग यूनिट को इस्टैब्लिश किया जा रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कांकेर के कहाँ, तो कांकेर का इच्छापुर गाँव है, वहाँ पर हर्रा प्रोसेसिंग यूनिट को इस्टैब्लिश किया जाएगा। हर्रा की अगर हम बात करें तो एक वन उपज है और छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रचुर मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। किस प्रकार से उत्पादन किया जाता है और इसका किस प्रकार से और भी नाम है, इस पर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसको हम लोग मायोरोब्लान के नाम से भी जानते हैं, या और यह याद रखिएगा टर्मिनलिया चेबुला प्रजाति का एक फल है हर्रा। और मुख्य रूप से जो इसका उपयोग है आयुर्वेदिक के रूप में किया जाता है, फार्मा इंडस्ट्री के रूप में किया जाता है, दवाई बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और प्रत्येक वर्ष इसका उत्पादन जो है यहाँ प्रदेश में 50,000 क्विंटल का किया जाता है। ये आंकड़ा ऊपर नीचे होते रहता है लेकिन एवरेज अगर देखोगे तो 50,000 क्विंटल उत्पादन प्रत्येक वर्ष इसका किया जाता है। और अगर राज्य में प्रमुख रूप से देखें हर्रा का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका कांकेर, केसकाल, दक्षिण कोंडागांव, पूर्व भानु प्रताप, जगदलपुर और इसके अलावा राजनांदगांव, धर्मजयगढ़, रायगढ़ और जसपुर में हर्रा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ध्यान याद रखिएगा। और प्रदेश में लघु वनोपज की जो बिक्री होती है वो किस प्रकार से होती है ये याद रखिएगा। प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा भी हो गया है, ई नीलामी और ई निविदाओं के जरिए जो है प्रदेश में सारे वनोपज का यहाँ पर नीलामी किया जाता है और बिक्री किया जाता है, तो उसी के तहत में हर्रा का भी बिक्री किया जाता है। तो याद रखिएगा हर्रा प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, कहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है वो याद रखिएगा। तो कहाँ, इच्छापुर गाँव है, कांकेर जिला है और यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश करने से हर्रा को लेकर जो एक्सपोर्ट हो गया या फिर इसका रख रखाव जो हो गया वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। यहाँ पर किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, तो इस प्रकार से ये सब सारे इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं इस प्रोसेसिंग यूनिट को स्टैब्लिश करने से। चलिए इसके बाद जो हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है वो है संपदा अभियान। हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक कैंपेन शुरू किया गया, उस कैंपेन का नाम है स्पंदन अभियान, सॉरी संपदा नहीं, स्पंदन अभियान इस कैंपेन का नाम है। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है लॉन्च करने के पीछे का कि अभी जिस प्रकार से माहौल चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, और अगर फ्रंट वॉरियर्स के रूप में आप देखोगे कि कौन कौन लड़ रहे हैं, तो डॉक्टर्स, नर्सेज हो गए, मेडिकल स्टाफ्स हो गए, पुलिस हो गई, तो इन लोगों को भी काफ़ी तनाव, काफ़ी स्ट्रेस से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो भी हमारे प्रदेश के पुलिस हैं वो स्ट्रेस फ्री रहें, तनाव मुक्त रहें, तनाव से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की तरफ से ये स्पंदन योजना की शुरुआत की गई है, यानी कि इस कैंपेन को शुरुआत किया गया है। तो बस इस कैंपेन के बारे में आप लोग इतनी बातों को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस सप्ताह मेंस के लिए यहाँ एक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था, मुख्य रूप से 5 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था इस सप्ताह इतना ही था जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। और जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताया उसका जवाब आप लोग नीचे जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, ACF वाली जो मैंने बातें बोली हैं उसको आप लोग वहाँ ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।